ईमान नूरे रमजान कैसी हवाएं इश्क चली खत्म हुई नफरत दिल की बांट रहे हैं प्यार सभी सहरी हो या अफ्तारी अल्लाह तेरा है एहसान एक हुए सारे इंसान सज गए घर घर दस्तरखान नूरे रमजान नूरे रमजान। औद बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। तमाम देखने वालों को नूर रमजान के सेगमेंट से तमाम अहबाब को खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम साबरी हाजिर खिदमत हैं। हाज़रीन मोहतरम, आज नाज़रीन कराम माह सियाम का आगाज हो चुका है। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम हफ्ता और इतवार प्रोग्राम नूर रमजान के हवाले से, हमारा पिछले साल भी ये सिलसिला रहा, इस साल फिर आप लोगों की मोहब्बतों ने हमें कहा, हम फिर आपकी हाजिरी खिदमत हो चुके हैं। माह सियाम अपनी खूब बरकतें लिए, खूब रहमतें और रिफातें लिए हुए हाजिर हो चुका है और अल्लाह ताला ने हम पर यह एहसान फरमाया कि हमें उन खुश नसीबों में रखा जिन्हें अल्लाह ताला ने इस साल फिर ये माह सियाम अता किया। ये यकीनन खुश नसीबी की बात है। वो दुआ अगर आप लोगों ने सुनी हुई है, रऊफुर रहीम ताजदार मदीना सरवर कायनात इमामुल अंबिया ने आमीन कहा कि बदबख्त है वो शख्स जिसको जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ पर आमीन कहा। और माह सियाम के हवाले से जो हज़रत हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माह सियाम को चार नामों से मंसूब किया गया है। एक तो माह सियाम के नाम से, दूसरा माह सब्र के नाम से, तीसरा जो नाम इस माह सियाम का है माह मुअस्सावात से, और चौथा जो नाम है माह वसअत रिज़्क़ के हवाले से इसको मंसूब किया जाता है। माह रमज़ान इसलिए कहा जाता है और माह सब्र रोज़ा जो है, जब इंसान रोज़ा रखता है तो वो अपने नफ्स पर काबू पा लेता है, वो अपने नफ्स को सब्र की उस बुनियाद पर ले आता है कि वो सारा दिन अल्लाह की रज़ा के लिए पानी का एक घूंट भी पिए बगैर सारा दिन गुजारता है। ये माह सब्र भी है, माह सियाम भी है। अल्लाह ताला से दुआ है, मालिक कायनात इस माह सियाम में मुझे और आपको अल्लाह उसके महबूब को राज़ी करने और अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने की अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले साल की तरह इस साल फिर मेरे बरादर अजीज़ बरादर मिल्लत जनाब मोहम्मद आसिफ जमशेद साहेब, जो पिछले रमज़ान में भी मेरे साथ थे, बहुत तावन फरमाया, बड़ी शफकत फरमाई, इस साल भी वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसिफ साहब, पिछले माह सियाम में भी लोगों ने, दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, इस माह सियाम में फिर उनकी फरमाइश पर हम हाजिर हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वसीम भाई, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर साल की तरह जो आशिक होते हैं वाह वाह, वो मोहब्बत तो करते हैं, क्या बात है। और सबसे बड़ी जो बात है वो इस रमज़ान की बरकतें हैं, बेशक जो पूरा साल जो आशिकान मुस्तफ़ा होते हैं वो इस साल का इंतज़ार करते हैं, इस महीने का इंतज़ार करते हैं, बेशक। और खसूसन बिलखसूस वसीम भाई, मैं कहना चाहूँगा कि बरमला के हमारे प्रोग्राम का जो इंतज़ार होता है नूर रमज़ान का, काफ़ी अहबाब को होता है, बेशक ऐसे ही। मुझे लोग कमेंट्स में, कॉल्स पे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आसिफ भाई इस दफ़ा प्रोग्राम होगा नूर रमज़ान, तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो वो होगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला सुनने वालों को, हमारे हमसे प्यार करने वालों को
सलामत रखे हमेशा। तो सिलसिला नशिस्त को मैं आगे बढ़ाता हूँ और इस प्रोग्राम का नूर रमज़ान के सेगमेंट से हमद बारी ताला से आगाज़ करते हैं। आसिफ जमशेद साहब हमद बारी ताला पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। मैं हमद बारी ताला से अपनी हाज़िरी का आगाज़ करता हूँ। वसीम भाई बड़े खूबसूरत कलाम जी पहली मरतबा मैंने जसारत की ये पढ़ने की, अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। सुनिए कलाम। कलाम मेरे दिल
लिखता रहे हमेशा मौला कलाम तेरा, लिखता रहे खूबसूरत अंदाज हमदे बारी ताला से आगाज़। इस वक्त जो माह सियाम जो हमारी ज़िंदगियों की तारीख का ये पहला रमज़ान है कि जो इतने कठिन हालात हैं कि मसाजिद भी वीरान हो गई और मेरा रब यकीनन हमसे नाराज़ है, ज़िंदगी के हर शोबे से तल्लक रखने वाला इंसान आज अपने हालात पर रो रहा है। दीगर महाफ़िलें भी कैंसिल हुई, बड़ी बड़ी महफ़िलें कैंसिल हो गईं और हत्ता के मस्जिदें वीरान हो गईं। से दुआ है मालिक कायनात तू हमसे राज़ी हो जाए। ताला के चंद अशार मैं भी पेश करने की कोशिश करता हूँ कि ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई, ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई, एक चश्मे इल्तिफा बड़ी देर हो गई, ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई, एक चश्मे इल्तिफा बड़ी देर हो गई, महरूमे नक्शे पुरालम आलम आलम महरूमे यक निगाहे करम 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 नक्शे पुरालम आलम 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 हाँ मालिक हयात बड़ी देर हो गई, अर्शे बरी से जब था दुआओं का राबिता, अर्शे बरी से था जब दुआओं का राबिता, आई थी लब पे ये बार बड़ी देर हो गई, ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई, हर शाह है तेरा हुस्ने कदामत लिए हुए, हर शाह तेरा हुस्न कदामत लिए हुए, लेकिन है शर्रे ज़ात बड़ी देर हो गई, लेकिन है शर्रे ज़ात बड़ी देर हो गई, ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई, एक गोशाए निकाब उठाया था तूर पर, एक गोशाए निकाब उठाया था तूर पर, ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई, जाने दी जल्लिया बड़ी देर हो गई, ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई, दिन भी है ज़ुल्मतों के लपेटे हुए, दिन भी है ज़ुल्मतों के लपेटे हुए, है आस पास रात बड़ी देर हो गई, हासिल नहीं है एक भी लम्हा हयात का, हासिल नहीं है एक भी लम्हा हयात का, है मुस्तरफ हयात बड़ी देर हो गई, ये और बात है कि तू बेमायल करम है, ये और बात है कि तू बेमायल करम है, हैं साथ मुश्किलात बड़ी देर हो गई, ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई, रहता था साथ साथ हुजूम इल्तिजाओं का, रहता था साथ साथ हुजूम इल्तिजाओं का, ताज़ा है वाकयात बड़ी देर हो गई, ताज़ा है वाकयात बड़ी देर हो गई, ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर, चश्मे इल्तिफा बड़ी देर हो गई, ऐ रब्बे कायनात बड़ी देर हो गई।
एक चश्मे इत्तेफाक बड़ी देर हो गई। हमदे बारी ताला से आगाज दुरूद पाक के साए में इस सिलसिला नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक के सदाओं में हम इस बज़्म को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। दुरूद पाक मिलकर हमारे साथ जितने समाईन हैं जो सुन रहे हैं मिलकर सहरी के वक्त में हाथों को बुलंद कर लीजिए, दुरूद पाक की सदाओं को बुलंद कर लीजिए और रब्बे कायनात की बारगाह से दुआ कीजिए, मालिक कायनात इस कोरोना वायरस से मुझे और आपको महफूज रखे और मुल्क पाकिस्तान के हर हर मुसलमान को इससे महफूज रखे और बहुत जल्द अल्लाह ताला ये मामूलात ज़िंदगी को दोबारा बहाल करें। सल्लो बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है और सांसों में महकती हैं मुनाजात की गलियां, सांसों में महकती हैं मुनाजात की गलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जड़ा है और खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, मेहताब तेरा रेजाए नक्शे कफेपा है। मैनू कसम पुरा तेरे साया गैसू का तराशा, वल असर तेरी नीम निगाही की अदा है और रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है। खालिक ये प्यार से बोला
खाई है उस शहरे अमा की, खालिक ने कसम खाई है उस शहरे अमा की, जिस शहर की गलियों ने तुझे वर्द किया है, खालिक ने कसम खाई है उस शहरे अमा की, जिस शहर की गलियों ने तुझे वर्द किया है, और सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे किस्मत तेरी दहलीज का सदका, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों पे लिखा है। सकलैन की किस्मत, ये मैं अपने तमाम सुनने वालों के लिए कि सकलैन की किस्मत तेरी दहलीज का सदका, अल्लाह की बारगाह से दुआ है मालिक कायनात इस शेर के सदके से हमारे मुल्क पाकिस्तान से इस वबा को, इस बीमारी को अल्लाह ताला खत्म फरमाए, इस बीमारी से, इस वबा से तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला महफूज रखे। सकलैन की किस्मत तेरी दहलीज का सदका, सकलैन की किस्मत तेरी दहलीज का सदका, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों पे लिखा है, और उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, कुरान तेरी खातिर मसरूफ़े सना है। 1 लाख अब और बयान क्या हो किसी से तेरी मिदहत, आपका ये कम तो नहीं तू महबूबे खुदा है, आपका ये कम तो नहीं कि तू महबूबे खुदा है, और ऐ गुम्बदे खजरा के मकीन मेरी मदद कर, ऐ गुम्बदे खजरा के मकीन मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है। रुतबा करा बयान की उस बेमिसाल दा, रुतबा करा बयान की उस बेमिसाल, रुतबा करा बयान की उस बेमिसाल दा, रुतबा करा बयान बेमिसाल दा, सानी ना को
मेरा महबूब नहीं दिखा। माहौल को थोड़ा सा बदल देते हैं, माहौल को थोड़ा सा बदल देते हैं कि तू मेरा महबूब नहीं दिखा। जन्नू वेख के चंद शर्मावे, बिजली डरती लिश्क ना मारे, मता बे अदबी हो जावे, जेओ चावे सैर जमाउंदी, सारा गुलशन सीस नवावे, जेओ पावे हाथ फुल्ला, हाथ फुल्ला विच रल जावे, सिफता पाक हुजूर दियां दा कौन बयान सुनावे, ते केड़ा ओथे गिण गिण दसे, जिथे गिणती मुक जावे, ते आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। जिक्र तो ऐसा है कि ये सारी रात भी अगर पढ़ा जाए तो ये जिक्र खत्म होने वाला नहीं है। जिंदगियां टूट गईं, जिंदगियां टूट गईं, जिंदगियां खत्म हुई कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई कलम टूट गए, तेरी हयात पाक का एक बाप भी मुकम्मल ना हो सका। तमाम देखने वालों के लिए बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, बहुत से अब आप देख रहे हैं दोस्त अब मोहम्मद रिजवान नक्शबंदी साहब ने कहा कि माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है, और हाजी इमरान तुर्क साहब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में चल रहा है। आयशा आबिद साहेब माशाल्लाह ये जो है ये जर्मनी से हैं जी जी, और हाजी इमरान साहब हैं जो वाह बाहर की कंट्रीज में से भी हमारे इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है। राजा तारिक महमूद साहेब कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है। नियाज गुल साहेब माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तमाम ये एबटाबाद से हाजिर हैं। मलिक अवैस साहेब कह रहे हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। असब एक फरमाइश है नतिया कलाम की, वो पेश कर दें कि कोई सलीका ना आरज़ू का। चले मैं पेश करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा और वो कलाम है एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, इस कलाम के चंद अशआर सुना दें। पहले मैं ये पेश कर देता हूँ पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के चंद अशआर पेश करता हूँ, और उसके बाद फिर वो फरमाइश मैं पूरी करता हूँ। जी ठीक है, कोशिश करता हूँ। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही महबूब यगाना है।
से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, मेरा कमली वाला ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर लाए हुए दाम है, नस्ल करीमों की लज पाल घराना है, नस्ल करीमों की लज पाल घराना है, महरूम करम इसको रखियो न सरे मैशे, महरूम करम इसको रखियो न सरे करम इसको रखियो ना सरे मैशे, जैसा है नसीरा के साइल तो पुराना है, जैसा है नसीरा के साइल तो पुराना है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हदीय नात पेश फरमा रहे थे। बहुत से दोस्त अहबाब फरमाइशें कर रहे हैं। मलिक अवैस साहब ने प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत सराहा है, कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत पुराना प्रोग्राम हो रहा है। और इसके अलावा मलिक अवैस साहेब, नुमान महबूब अवान साहेब, नुमान महबूब अवान साहेब, मलिक अवैस साहब ने अली अली के कलाम की फरमाइश की है, वो इंशाल्लाह हम आखिर में पेश करेंगे। और इसके अलावा भी तमाम अहबाब जो देख रहे हैं सबका बहुत मशकूर हैं हम, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। अली अली का जिक्र भी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि लास्ट में हम अली अली करेंगे इंशाल्लाह। तो एक मैंने भी रमज़ान के वाले से जो कलाम पेश करना था जी। उसके चंद इशार पेश करते हैं। जहाँ जहाँ कोई बैठा है घर में, सुनने वाले देखने वाले सब, एक दफ़ा मोहब्बत और अकीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब।
कलाम सुने वसीम भाई रमजान में रब की रहमत सुबह शाम हो रही है रमजान में रब की रहमत सुबह शाम हो रही है दुनिया खताएं जिस अब खुदा से हर काम हो रही है मुलाकात अब खुदा से हर काम हो रही है रमजान है खुदा की सब पे ये सयाम हो रही है रहमत खुदा की सब पे ये सयाम हो रही है रमजान में रब की रहमत सुबह शाम हो रही रमजा की रिफ़तों पे जरा गौर तो करें हम रमजा की रिफ़तों पे जरा गौर तो हर चीज उसके ताबा एहतराम हो रही है हर चीज उसके ताबा एहतराम हो रही है मशकूर मुस्तफा की कोसर रहे हमेशा मशकूर मुस्तफा की कोसर रहे हमेशा जिनके तुफैल रहे जिनके तू फैल रहे मन खास आम हो रही है रमजान में रब की रहमत सुबह शाम हो रही है दुनिया खताएं जिसे में सरे आम दो
माशाल्लाह ये माहे सयाम अपनी रहमतें अपनी बरकतें लिए हुए आ चुका है और छमछम रहमतें बरस रही हैं। इस माहे सयाम की रहमत और बरकत की और फजीलत का क्या बयान किया जाए कि जिसमें जो नफल पढ़ने का सवाब है वो फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ों का और बढ़ा दिया जाता है, 70 गुना सवाब में अजाफा कर दिया जाता है हर नेकी के बदले। अगर आम महीनों में अगर आप कोई नेकी करते हैं तो उस नेकी का सवाब अगर 10 मरतबा मिलता है, उस नेकी के 10 दर्जे होते हैं, तो इसी तरह माहे सियाम में अगर कोई नेकी की जाती है उसको दर्जा बदर्जा 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। माहे सियाम के हवाले से एक रिवायत है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह से अर्ज़ की थी, मौला मैं अपनी उम्मत का सबसे गुनहगार तरीन शख्स देखना चाहता हूँ। आसिफ भाई बहुत खूबसूरत रवायत है, मुझे बहुत पसंद है। अभी आपने माह सियाम की रहमत के हवाले से ज़िक्र किया तो मैं उसको मेरा दिल चाहे मैं अपने समाइन के साथ शेयर करूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह से इल्तिजा की, मौला कि मैं अपनी उम्मत का सबसे गुनहगार तरीन शख्स देखना चाहता हूँ। हज़रत मूसा की इस दुआ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाया, कहा मूसा सुबह जब दिन चढ़ेगा ना, सुबह जब दिन चढ़ेगा फलां बाज़ार में चले जाना, जो शख्स सबसे पहले बाज़ार में दाखिल होगा, जो शख्स सबसे पहले बाज़ार में दाखिल होगा वो तेरी उम्मत का सबसे गुनहगार तरीन शख्स होगा। निशानी यह है कि उसके साथ एक बच्चा होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म की तकमील करते हुए सुबह हुई नमाज फजर के बाद आप उस बाज़ार में चले जाते हैं, कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि एक शख्स नज़र आता है और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निशानी बताई थी वही निशानी है कि साथ एक बच्चा है। हज़रत मूसा ने जब ये मंज़र देखा अब वो शख्स बाज़ार से होते हुए आगे चला गया। वो जब बाज़ार से गुजरते हुए आगे चला गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दिल पर तबीयत पर बोझ आ गया कि मेरी उम्मत का ये सबसे गुनहगार तरीन शख्स है। अब जब नबी को पता लगता है ना कि ये मेरा उम्मती सबसे ज़्यादा गुनहगार है तो नबी की तबीयत पर बोझ आ जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाजिर हुए, मौला तुझसे जब मैंने अर्ज़ की कि मुझे तू गुनहगार तरीन शख्स दिखा तो तूने मुझे दिखा दिया, अब एक इल्तिजा मेरी और है, एक दुआ मेरी और है कि मुझे मेरी उम्मत का मेरे बाद सबसे नेक तरीन शख्स भी दिखा दे, सबसे नेक तरीन शख्स भी दिखा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तुम्हारी इस दुआ को भी मैंने कबूल किया, उसी बाजार में चले जाना जब शाम हो जाए ना, बाजार बंद हो जाए, बाजार बंद हो जाए, लोग घरों को लौट जाएं, तो जो सबसे आखिरी बंदा उस बाजार से गुजरेगा ना वो तेरी उम्मत का तेरे बाद नेक तरीन शख्स होगा। निशानी यही है कि उसके साथ भी एक बच्चा होगा। शाम ढलती है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाज़ार में पहुंच जाते हैं, जाकर इंतज़ार करने लगते हैं, बाज़ार बंद हो जाता है, लोग अपने घरों को रवाना हो जाते हैं, लौट जाते हैं। कुछ देर गुजरती है वही शख्स फिर नज़र आता है बाज़ार से गुजरते हुए, वो आगे चला जाता है। उसके बाद रात गए तक कोई शख्स नहीं गुजरता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में हैरानगी हुई कि मौला जब मैंने तुझसे कहा था कि मुझे गुनहगार तरीन शख्स दिखा तो तूने मुझे ये शख्स दिखाया था, जब मैंने तुझे कहा मौला मुझे नेक तरीन शख्स दिखा तब तूने मुझे वही शख्स दिखाया है, तो माजरा क्या है? अल्लाह ने फरमाया मूसा ये सही है कि जब तूने कहा था कि तू गुनहगार तरीन शख्स देखना चाहता है तो तूने तुझे मैंने वो शख्स दिखाया था, मगर जब तूने कहा कि मैंने नेक तरीन शख्स देखना है तब भी तूने मैंने तुझे वही शख्स दिखाया। माजरा ये है जब ये सुबह आया था बाजार बंद था, तो बाजार बंद था तो ये बाजार से आगे चला गया पहाड़ों की जानिब चला गया। अब जब पहाड़ों के पास पहुंचा ना तो साथ बच्चा था, बच्चों की आदत होती है सवाल करने की, वो सवाल के ऊपर सवाल करते हैं। बच्चे ने कहा अब्बा जान ये जो पहाड़ हैं इनसे बड़ी भी कोई चीज़ है कायनात के अंदर, इससे बड़ी कोई चीज़ है? तो अब्बा जान ने कहा हाँ बेटा, इन पहाड़ों से जो बड़ी चीज़ है ना वो रब का बनाया हुआ आसमान है जो इन पहाड़ों से बहुत बड़ा है।
अब बच्चे ने फिर सवाल किया, अब्बा जान इस आसमान से बड़ी भी कोई चीज है? तो अब अब्बा जान ने कहा, हाँ बेटा, इन आसमानों से बड़ी भी चीज है, वो अल्लाह की बनाई हुई ये हवा है जो हर जगह मौजूद है। सात आसमानों से ऊपर भी हवा मौजूद है, जमीन पर भी है, जमीन की तह में भी मौजूद है, ये इन आसमानों से भी बड़ी है। जब बच्चा सवाल पे सवाल करता गया, आखिर में जब बाप थक गया, बच्चा सवाल करते हुए आखिर में कहने लगा, अब्बा जान इन हवाओं से बड़ी चीज कोई है? कहा, हाँ बेटा, इन हवाओं से बड़ी जो चीज है वो तेरे बाप के गुनाह हैं। वो गुनाह इतने ज्यादा हैं कि ये हवाएं भी छोटी हैं, ये आसमान भी छोटा है, ये पहाड़ भी छोटे हैं, तेरे बाप के इतने ज्यादा गुनाह हैं। अब बच्चे ने फिर सवाल किया, अब्बा जान अब ये मेरे और आपके लिए खुशखबरी, जो खुशखबरी ये है माह सियाम के हवाले से। अब बच्चे ने फिर कहा, अब्बा जान आपके गुनाहों से बड़ी भी कोई चीज है? आपके गुनाहों से बड़ी भी कोई चीज है? तो अब्बा जान ने कहा, हाँ मेरे गुनाहों से फकत एक चीज बड़ी है, वो क्या है? वो अल्लाह की रहमत है, जिसे मिल जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा कि मैं सुबह जब ये शख्स आया था तो गुनहगार तरीन शख्स था, तो नेक तरीन शख्स था, मुझे मेरी गैरत को गवारा ना किया कि ये इतना गुनहगार होने के बाद भी इस बात पर यकीन रखता है कि मेरे रब की रहमत मेरे गुनाहों से भी बड़ी है, जिसको मिल जाती है उसे वो बख्श देता है। तो नाज़रीन कराम, ये माहे सियाम हमारे दरमियान आया है, रहमतें लेकर आया है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं जो हमारे सामने मौजूद थे पिछले माहे सियाम में, इस साल नहीं हैं। हमारे इस वाकेंट की अजीम शख्सियत नात के उस्ताद मोहम्मद तनवीर इकबाल साहब गुज़श्ता रमज़ान में हमारे साथ मौजूद थे, इस साल नहीं हैं। ना जाने अगला रमज़ान किसको नसीब होता है किसको नहीं होता है, ये अल्लाह और उसके महबूब की ज़ात बखूब जानती है। हमें इस माह सियाम की कदर करनी है, इस माह सियाम में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में वक्त को गुजारना है, पंचगाना नमाज की आदत बनानी है, मामूल बनाना है, अल्लाह से बार बार रातों को उठकर कयाम करना है, तौबा इस्तिगफार करनी है। वो रब्बे कायनात कह रही है, उसकी रहमत बार बार आवाज़ें दे रही है, कोई बख्शिश मांगने वाला है तो मैं अता कर दूं। और इस माह सियाम की सबसे बड़ी फजीलत कि रब की रहमत करीब आ गई है। आम महीनों में दूर होती है, बुलाने पर आती है, इस महीने में अल्लाह का ये तोहफा है मुसलमानों के लिए कि उसकी रहमत बिल्कुल करीब आ गई है। इंसान लबों से लफ्ज निकालेगा, मुसलमान अल्लाह कबूल फरमा लेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस माह सियाम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त आखिरी लम्हात की जानिब है, मैं आसिफ जमशेद साहब से अर्ज करूंगा कि वो अपने इख्तितामी कलाम को पढ़ें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने सिलसिले नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। वसीम भाई जी, जी अभी एक फरमाइश आई थी कि कोई सलीका है, कोई सलीका, तो वो अगर सुन रहे हैं तो फरमाइश उनकी मैं पेश करने जा रहा हूँ। वाह वाह, बेशक। और बड़ा ही खूबसूरत कलाम, तो तीन इशार इसके पेश करके फिर अली अली का, तो फिर अली अली करते हैं और उसके साथ इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारा करम
किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी का एहसान क्यों हालात क्यों बताए। तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हें से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नजीर कहिए, उन्हें सिराज मुनी बशीर कहिए नजीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रबी बंदगी है, जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। मैं अपने तमाम चाहने वाले बहुत ज़्यादा अहबाब और ने ज्वाइन किया हमें, मासूम मलिकज़ादा, मासूम मोहम्मद अली कह रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मोहम्मद अली कह रहे हैं माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इमरान अली मदनी साहब ने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मलिक अवैध साहेब,
हंजला अब्बासी साहेब, हंजला अब्बासी और सुबहान माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तमामी अहबाब का बहुत शुक्रिया। आखिर में मौला कायनात की बारगाह में मनकबत मौला अली और इसके साथ ही इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे। मौला कायनात के नाम से इख्तिताम प्रोग्राम। अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, बस अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो। अब वक्त आन पड़ा है हर जान हर महफिल में, बस अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, नफस नफस में अली अली हो, नजर नजर में अली अली हो। बलबले फिजा भी मस्त मस्त है, दुले दुले है बलबले, फिजा की मोच मोच में एक नई तरंग है। किसी की मत सुना करो, जो दिल कहे किया करो, अली अली किया करो, अली अली किया करो। नफस में अली अली हो, नजर नजर में अली अली हो, गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में शेर पेश करता हूँ मैं। और अगले हफ्ते तक ये शेर सबको याद रहेगा। क्या शेर है? दुरूद लब पे सजा के हसनी, नबी नबी के घर से निकलो। दुरूद लब पे सजा के हसनी, सफर से लौटो जो अपने घर को, सफर से लौटो जो अपने घर को, तो मेरे घर में अली अली हो, अली अली हो, अली अली हो, और कुरान है ये सब रूहे ईमान।